तिरुपति लड्डू विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। बेंच के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने कहा कि निर्माण सामग्री बिना जांच के रसोई घर में जा रही थी, जबकि सुपरविजन के लिए जिम्मेदार सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये देवता का प्रसाद होता है। जनता और श्रद्धालुओं के लिए वो परम पवित्र है। अगर प्रसाद पर कोई सवाल या निशान है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के ये बयान देना कि प्रसाद में मिलावट है, ये परेशान करने वाला है। कोर्ट ने कहा कि जब आप संवैधानिक पद पर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाएगा। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी। लाभ की रिपोर्ट जुलाई में आई और आपका बयान सितंबर में आया। रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है।